क्या आप लोग ज़्यादा वेट से परेशान हो, आपकी बड़ी टम्मी से भी आप परेशान हो और आपको वेट लॉस करना है और जिम करके डाइटिंग करके आप थक गए हैं, तो आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, बस आपको ये सुबह शाम एक एक चम्मच खाना है। आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर में आपका वेट लॉस होने लगेगा और आपकी स्किन के ऊपर में चमक आ जाएगी, चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा और आपके जो हेयर है उसका भी ग्रोथ होगा। तो चलो हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 50 ग्राम अलसी लिया है, 50 ग्राम पंपकिन का सीड और 50 ग्राम सनफ्लावर बीज लिए हैं, जिसको सूरजमुखी का बीज भी बोला जाता है। तो इसको बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर में सनफ्लावर के सीड और पंपकिन के सीड सब चीज़ों को एक साथ डाल देंगे और सबको हमें रोस्ट कर लेना है। उसको बस हल्की आंच पर आपको इसको गरम कर लेना है। गरम करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो अच्छे से काम करता है और जो अलसी है अलसी को भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है। हल्का हल्का 2 मिनट के लिए सेकना है, फिर इसको हम निकाल के अलग रख लेंगे। अलसी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ में मैंने सौंफ लिया है, सौंफ को भी हमें सेक लेना है। सौंफ को खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो अच्छे से काम करता है। जब हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारे फायदे होते हैं और ये सब चीज़ों को हमें एक कंटेनर के अंदर में स्टोर करके रखेंगे। आपको इसको एक बार बना के रखना है, फिर इसका प्रयोग करना है। प्रयोग करने के लिए आपको सुबह में हल्का गुनगुना पानी लेना है और इसको एक चम्मच चबा के खा लेना है। इसको खाने से आपका जो वेट लॉस जल्दी जल्दी होने लगेगा और आपको जैसे डाइटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको खाएंगे तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हमें जो वेट बढ़ने की समस्या है उससे हमको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने अच्छे से इसको भर के रख लिया है और दोस्तों ये वाली रेमेडी एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी रेमेडी से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।